अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ अब्दुल रजाक। सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉन्ग क्वेश्चन न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन के बैकग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट हैं ओटोहान एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन, जर्मन लैंग्वेज होने की वजह से जर्मनी के साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने ये डिस्कवर किया कि जब हम यूरेनियम 92-235 न्यूक्लियस के अंदर यूरेनियम 92-235 न्यूक्लियस के ऊपर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि वो चेंज हो जाता है एक आइसोटोप यूरेनियम 92-236 के अंदर जो के हाईली अनस्टेबल होता है। ये एडअप होती है, एडअप होने के बाद वही न्यूक्लियस बन जाता है लेकिन उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जितना एक न्यूट्रॉन से फर्क पड़ना चाहिए उतना ही उसके अंदर फर्क पड़ता है और वो यूरेनियम 92-236 के अंदर चेंज हो जाता है। अब यूरेनियम 92-235 के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल है उसकी स्टेबिलिटी के लिए है वो सिर्फ यूरेनियम के 235 न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करने के लिए काफी थी, वो 236 न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करने के लिए काफी नहीं थी। यूरेनियम 92-236 के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्सेस बनती हैं वो इस काबिल नहीं होती कि वो इस न्यूक्लियस को स्टेबल रख सकें। नतीजा क्या होता है कि ये न्यूक्लियस डी शेप होना शुरू होता है। दैट मीन सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये किसी डंबल टाइप की शेप में तब्दील होता है जिसमें तकरीबन आधे न्यूक्लियॉन्स ऊपर और आधे न्यूक्लियॉन्स नीचे आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि ये मजीद इस तरीके से टूटता है, ब्रेक डाउन करता है। एक तरफ कुछ न्यूक्लियॉन्स आ जाती हैं, दूसरी तरफ कुछ न्यूक्लियॉन्स आ जाते हैं जिनके मैसेज तकरीबन बराबर होते हैं और कुछ यहाँ पे चंद एक फ्रेगमेंट्स होती हैं जो कि रिलीज हो जाती हैं। तो नतीजा क्या होता है कि ये जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है ये फौरन टूट जाता है, सिमुलेटेड रेडियोएक्टिविटी कह सकते हैं आप इसे। तो ये इसके बाद क्या होता है कि दो नियरली इक्वल मैसेज वाले न्यूक्लियॉन्स के अलावा कुछ एक जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो रिलीज भी हो सकती है, कुछ एक न्यूक्लियॉन्स रिलीज भी हो सकती हैं। तो भाई जो कॉमनली ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंट है वो ये कि जो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं बेरियम, क्रिप्टॉन और साथ तीन न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ठीक है जी, तो ये वाले आइसोटोप बनते हैं हमारे पास। ठीक है, सो ऑन एवरेज तीन न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। मतलब बात ये है कि कभी किसी रिएक्शन में दो न्यूट्रॉन्स भी मिट हो सकते हैं, किसी रिएक्शन में चार भी मिट हो सकते हैं, लेकिन जो एवरेज बनती है वो तीन न्यूट्रॉन्स बनती है। इसके अलावा ये जो दो हिस्सों में तकसीम हुआ है, ये जो न्यूक्लियस आगे आके दो हिस्सों में तकसीम हुआ है, ये भी जो है वो वाइब्रेशन के दौरान डबल शेप बनने के दौरान, जरूरी नहीं कि ये क्रिप्टॉन ही बने और ये बेरियम ही बने, ऐसा जरूरी नहीं है। बुक ने एक और एग्जाम्पल लिखी है, वो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है 241 के ऊपर, और वो 241 के ऊपर बनने वाली एग्जाम्पल क्या है, वो है कि ये भी हो सकता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम, मोलिब्डेनम और दो यहाँ पे भी तीन न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, तीन न्यूट्रॉन्स रिलीज हो, ऐसा भी हो सकता है। और जरूरी नहीं कि इसमें तीन हो, चार या दो भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो मोलिब्डेनम और स्ट्रॉन्शियम है उनके जो यहाँ पे इस जगह के ऊपर आइसोटोप्स लिखे गए हैं उनके अलावा कोई और आइसोटोप भी बन सकते हैं, तो ऐसा रिएक्शन भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि स्ट्रॉन्शियम और मोलिब्डेनम भी ना बने, कोई और बन जाए। फॉर एग्जांपल पेज नंबर 242 के ऊपर बुक ने एक और एग्जांपल मेंशन किया, वो क्या है कि यहाँ पे ज़ीनॉन और स्ट्रॉन्शियम बन रहा है और साथ दो न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक नंबर 38, मास नंबर 94, ज़ीनॉन का 54 एटॉमिक नंबर और मास नंबर 140 है और दो न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पे भी न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो वेरिएबल है, पर ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि यही वाले जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं यही रिलीज हों। कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्या हो तमाम मास नंबर्स को ऐड करें तो आंसर 236 आए, तमाम प्रोटॉन नंबर्स को ऐड करूं तो आंसर 92 आए, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। पीरियोडिक टेबल उठा के देखो कि जो जो इस तरीके के हमारे पास कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनका एटॉमिक नंबर ऐड होकर तमाम प्रोडक्ट का 92 और जो मास नंबर है वो 236 आता हो, ऐसे तमाम के तमाम फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं। ठीक है,
सो भाई वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई हैवी न्यूक्लियस टूट के छोटे न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन एग्जाम्पल है, सिर्फ एक और भी आइसोटोप्स हो सकते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो एग्जाम्पल है वो यूरेनियम 235 की है जो सिर्फ स्लो न्यूट्रॉन कैप्चर करता है। स्लो न्यूट्रॉन कैप्चर करने की वजह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जब स्लो न्यूट्रॉन कैप्चर करता है तो आइसोटोप 236 में तब्दील होता है यूरेनियम। उसके बाद डंबल टायर की शेप बनती है, न्यूक्लियर फोर्सेस काफी नहीं होती इसको होल्ड अप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज जो बाइंडिंग एनर्जी के रिस्पॉन्सिबल होती है वो काफी नहीं होती, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज दैट मीन्स प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्जन की वजह से यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये न्यूक्लियस ब्रेक डाउन करता है दो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर जिनके मैसेज तकरीबन इक्वल होते हैं या कंपेरेबल होते हैं, और इसके अलावा कुछ न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं, और इन रिएक्शन की एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दी है। सबसे ज्यादा प्रोबेबल रिएक्शन ये वाला है, ठीक है। तो जब भी आप ये रिएक्शन करवाओगे तो सबसे ज्यादा जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो कौन से होंगे, तो बेरियम और क्रिप्टॉन होंगे। इसकी क्या वजह है, ये अननोन है, कुछ न्यूक्लियस फिनोमेना है, लेकिन इसकी ये मतलब जो स्टडी की गई है उसमें यही नतीजा निकला कि बेरियम और क्रिप्टॉन ही सबसे ज्यादा बनते हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन ही सबसे ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात कर ली न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की। अच्छा, इस दौरान ये होता है कि देखो कि हमने यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मास अप्लाई किया है, यहाँ के तमाम चार्जेस का सम और इधर के तमाम चार्जेस का सम इक्वल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी ओबे, मास नंबर भी ओबे होता है कि यहाँ पे जगह के ऊपर इतना मास नंबर है उतना यहाँ पे है, उतना इन तीनों का सम है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और मास को अप्लाई कर दिया, लेकिन आगे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इस जगह के ऊपर जो ये रिएक्टेंट्स हैं इनका मास ज्यादा होता है, ठीक है, और कोई भी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं भले ये वाली लाइन लीजिए या इसके ऊपर वाली कोई लाइन लीजिए उनका मास कम होता है, दैट मीन्स यहाँ पे मास डिफेक्ट आता है, यहाँ पे क्या आता है, मास डिफेक्ट आता है। दैट मीन्स अगर मैं मास डिफेक्ट डेल्टा एम निकालू जो कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो जो इसका आंसर है वो आंसर आता है पॉजिटिव। इसका मतलब है यहां से उस तरफ जाते हुए कुछ मास गायब हो गया, वो जो मास गायब हुआ है वो कहां गया है, वो बाइंडिंग एनर्जी के तौर पर रिलीज हो गया है, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम टी स्क्वायर के मुताबिक वो एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई है, और रिलीज होने के बाद ये जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं ये क्या है, ये ज्यादा स्टेबल हो गए हैं। तो इसलिए बुक ने यहाँ पे क्या किया, इसके साथ सबके साथ प्लस क्यू लिखा है, प्लस क्यू हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो भाई यहाँ पे मास इफेक्ट की कोरस्पॉन्डिंग जो है वो क्या नहीं है, यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होनी है, और एनर्जी रिलीज होने के बाद जो फ्रेगमेंट्स बने हैं वो स्टेबल हो जाने हैं, और स्टेबल होने के बाद उनको तोड़ने के लिए वापस आपको उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पेज नंबर 225 के ऊपर हमने एक ग्राफ पढ़ा था, वो ग्राफ क्या था, ग्राफ ये था कि अगर मैं इस तरफ ड्रॉ करता हूँ मास नंबर ए और इस तरफ ड्रॉ करता हूँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये ड्रॉ करता हूँ, तो शेप किस तरह से आती है, शेप यहाँ पे जगह के ऊपर कुछ वेरिएशन आने के बाद वेरिएशन किस तरह की है, कि इस तरह से ये वेरिएशन आ रही है एक दो और ये शेप बन रही थी। यहाँ पे सबसे ऊपर आयरन था और यूरेनियम कहाँ पे था, यूरेनियम यहाँ पे था, बेरियम और क्रिप्टॉन तकरीबन यहाँ पे पाए जाते हैं, तो हर वो रिएक्शन जो कि आयरन Fe2356 की तरफ शिफ्ट करता है वो एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर यूरेनियम 92-235 ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज करके आयरन की तरफ आता है, पार्टिकल्स कोलाइड करके भी आयरन की तरफ आए तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन चलते चलते जब तक यहाँ पे आएगा फ्रेगमेंट्स टूट टूट के इधर तक बनाता रहेगा उस दौरान एनर्जी रिलीज होगी, मतलब पीछे जाना होगा तो फिर एनर्जी देनी पड़ेगी। तो भाई यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो यूरेनियम है उसने ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक डाउन करने के दौरान आयरन की तरफ शिफ्ट होना है, यहीं पे सारे बेरियम क्रिप्टन जीनॉन स्ट्रॉन्शियम मोलिब्डेनम टिन तमाम चीजें यहीं पे मौजूद होंगी, एसएन क्या है, एसएन टिन है। तो यहाँ पे तमाम चीजें जो है वो इस तरफ शिफ्ट होते हुए एनर्जी को रिलीज करेंगी, जो मास इफेक्ट आएगा उसके मुताबिक जो है वो एनर्जी रिलीज होगी और हमारे डॉटर न्यूक्लियाई स्टेबल हो जाएंगे। अब अगर आपने बेरियम क्रिप्टन और तीन न्यूट्रॉन्स को मिला के दोबारा यूरेनियम 236 बनाना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, और कोई कंफर्म नहीं कि यहाँ पे यूरेनियम 236 बने तो फिर से टूट के वही एनर्जी रिलीज कर दे क्योंकि इसमें बैकवर्ड तो चलना नहीं, ठीक है। तो बड़ा हमने यहाँ पे बात कर ली इस तरह के ऊपर। बच्चों यहाँ पे जो मास इफेक्ट आता है उसकी बात कर लेते हैं, इस केस में जो हमने ये बात पढ़ी है
उस दौरान कितनी बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है उसकी बात कर लेते हैं। बच्चों इस दौरान जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन रिलीज होती है, पहले बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी है 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मींस अगर आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल से यूरेनियम 235 का मास देखें, न्यूट्रॉन का मास देखें, ऐड कर लें, फिर इन तमाम के मैसेज देख के उनको ऐड कर लें, डेल्टा निकालें और इस इक्वेशन में पुट करने के बाद डेल्टा ही निकाल लें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आंसर कितना आएगा 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर आएगा। इसका मतलब है एटमॉस्फेयर के अंदर 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी, एटमॉस्फेयर के अंदर 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी इस एक रिएक्शन के सर पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी होगी, वो कैसे आएगी, वो आएगी 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 236 न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। सो ये एनर्जी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये तकरीबन 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन बन जाएगी, ठीक है। सो हर न्यूक्लियॉन्स में से कुछ एनर्जी, कुछ मास गायब होगा और कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसकी वैल्यू कितनी है 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसी भी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो यहाँ से आती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वजह से आती है। सो ओवरऑल ये एनर्जी की बड़ी वैल्यू 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन पर न्यूक्लियॉन के हिसाब से देखें तो ये कोई बड़ी वैल्यू नहीं है और इस दौरान हमारे पास जो है वो 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। बुक ने यहाँ पे टॉपिक के एंड पे ये भी कहा है, जो आखिर पढ़ा पेज नंबर 242 के ऊपर, यूरेनियम फिशन सेवरल फिशन रिएक्शन सेवरल प्रोडक्ट्स में भी प्रोड्यूस्ड, ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स फ्रेगमेंट्स आर रेडियोएक्टिव, फिशन रिएक्शन इज नॉट कंफाइंड टू यूरेनियम अलोन, इट इज पॉसिबल इन मेनी अदर हैवी एलिमेंट्स, हाउएवर इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट फिशन टेक्स प्लेस वेरी इजिली विद द स्लो न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239 एंड mostly these two are used for fission purpose. So, भाई slow neutrons को absorb करने के लिए यही दोनों चाहिए, जो बाकी कोई चीज होती है वो fast neutrons को absorb करती है, तो slow neutrons को absorb करना है तो ये information है कि uranium 92-235 और जो plutonium 94-239 होता है वही use होते हैं। बच्चों यहाँ तक कोई भी confusion है पूछ लो। ये बता दूं कि यहाँ पे इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी आयरन की जो है वो है तकरीबन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन, और जो यूरेनियम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, वो है तकरीबन 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। सो नतीजातन जो डिफरेंस है 7.9 और 8.8 का 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन वो रिएक्शन के दौरान रिलीज हो जाती है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर मैं आयरन की बात नहीं कर रहा, बेरियम स्ट्रॉन्शियम की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे इनकी वैल्यू 8.8 ना हो बल्कि हो सकता है कि ये 8.5 हो, तो इस हिसाब से यहाँ पे इसकी 7.6 भी हो सकती है। तो जो ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे फ्रेगमेंट्स, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन है और यूरेनियम की कितनी है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन है, तो जब यूरेनियम ने टूट के फ्रेगमेंट्स में तब्दील होना है तो इतनी एनर्जी रिलीज होनी है। अगर यूरेनियम टूट के आयरन बनाएगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, वो फिर 8.8 टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, फिशन चेन रिएक्शन। अच्छा अभी हमने देखा कि अगर एक न्यूट्रॉन किसी न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम के साथ स्ट्राइक करता है तो सबसे पहले तो बनता है कंपाउंड न्यूक्लियस, जो क्या होता है, जो होता है अनस्टेबल, और नतीजतन क्या होता है, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं क्रिप्टॉन बेरियम और साथ कुछ न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इन न्यूक्लियॉन्स की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मजीद आगे मजीद यूरेनियम के एटम्स के साथ टकराएंगे,
रुकिएगा, मैं चेक करना लेता हूँ कि यहाँ पे ये न्यूट्रॉन है और ये यूरेनियम 92-235 के साथ क्लाइड कर रहा है। नतीजतन यूरेनियम 92-236 इंटरमीडिएट न्यूक्लियस है, अनस्टेबल है, जो कि टूट जाएगा किसमें, बेरियम में, क्रिप्टॉन में, और साथ क्या रिलीज करेगा, साथ करेगा 3 न्यूट्रॉन रिलीज। ये यूरेनियम रॉड के अंदर मजीद आगे मौजूद यूरेनियम 92-235 से क्लाइड करेंगे, ठीक है, 92-235 से क्लाइड करेंगे तीनों के तीनों, और नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि यहाँ पे ये रिएक्शन मरीज आगे चलेगा और ये वाला न्यूक्लियस बनेगा जिसको मैं बीच में से निकाल रहा हूँ स्टडी के, फिर से बनेंगे इन बेरियम और क्रिप्टॉन को मैं इन सर्कल से शो कर रहा हूँ, फिर से बनेंगे बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन, और साथ तीन तीन न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, ठीक है। सो ये एक न्यूट्रॉन से तीन यूनिट हुए, तीन से हुए नौ, मजीद यूरेनियम से क्लाइड होंगे, तीन नौ से हो जाएंगे 27 से 81, फिर 243, और ये काम चलता चला जाएगा। अगर आपने इस काम को ना रोका तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है। सो अब मैं बात करने लगा हूँ फिशन चेन रिएक्शन की। फिशन चेन रिएक्शन क्या है? फिशन चेन रिएक्शन ये रिएक्शन है कि अगर एक यूरेनियम 235 के फिशन के नतीजे में, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, तो आप इन दो न्यूट्रॉन्स को ब्लॉक कर दो ताकि ये रिएक्शन हो ही ना, ठीक है, ताकि ये वाला रिएक्शन ना हो, और सिर्फ एक न्यूट्रॉन आगे चले, वो तीन न्यूट्रॉन्स बनाए, उनमें से दो को फिर से क्या कर दो, ब्लॉक कर दो, एक आगे चले, फिर से तीन बने, उन तीन में से एक को ब्लॉक कर दो, और दो को ब्लॉक कर दो, एक को आगे चलने दो। तो इस तरीके से जो रिएक्शन बनता है उसको क्या कहते हैं, फिशन चेन रिएक्शन कहते हैं। फिशन चेन रिएक्शन ये है कि जब भी कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई टूटे, उससे रिलीज होने वाले न्यूट्रॉन्स में से सिर्फ एक आगे जाके मजीद अगले यूरेनियम एटम से टकराए, मजीद तीन जनरेट हों, उनमें से दो अब्सॉर्ब हो जाए और एक मजीद आगे चले, और ये काम चेन की सूरत में चलता रहे, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फिशन चेन रिएक्शन कहते हैं। और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर यूज होता है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर यूज होता है, जो बिजली का रहे एटमी पावर से चलने वाले, वो यही प्रिंसिपल को यूज कर रहे होते हैं। अब देखिए मैं कहता हूं कि लेट्स से हमारे पास एक यूरेनियम रॉड है, जमीन से यूरेनियम निकाला जाता है, वो इम्प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है, ओर्स की सूरत में होता है, सबसे पहले सेंट्रीफ्यूज मशीन में मेल्ट करके उसे प्योर करना पड़ता है, और हम इस ओर्स से निकलने वाले यूरेनियम को प्योर करके इस रॉड में इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ा के तकरीबन 2.7% तक ले आते हैं। कितनी कंसेंट्रेशन होती है, सिर्फ 2.7% तक, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि लेट्स से मैं कहता हूं कि इस यूरेनियम रॉड पर मैंने कोई न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाया और वो न्यूट्रॉन यहाँ पे आके इस रॉड में इधर मौजूद किसी यूरेनियम से टकरा गया है, टकराने के नतीजे में यहाँ पे यूरेनियम 236 बना है और टूट गया है किसमें, बेरियम में और क्रिप्टॉन में, और इसने क्या किया है, न्यूट्रॉन्स रिलीज किए हैं। भाई ये जो न्यूट्रॉन्स बने हैं ये इस रॉड से बाहर निकल जाएंगे, ये क्या करेंगे, इस रॉड से बाहर निकल जाएंगे और ये फिशन रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। लेकिन इस एक रिएक्शन के अंदर जो बेरियम और क्रिप्टॉन बने हैं, जारी बात है उनकी कोई काइनेटिक एनर्जी होनी थी, और रॉड के अंदर सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से वो बेरियम और क्रिप्टॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से चल नहीं सकते। अगर वो चल नहीं सकते तो वो अपनी इस एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, और ये यूरेनियम की रॉड थोड़ी सी हीट अप होगी, तकरीबन 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, जितनी भी एनर्जी बनती है उसे जो भी टेम्परेचर आना है उसके मुताबिक ये रॉड हीट अप होगी। अगर ये रॉड हीट अप होती है तो उसके नतीजे में आप हीट एनर्जी को यूज कर सकते हो, लेकिन एक अकेली रॉड की बात नहीं है, अकेली रॉड से जनरेट होने वाली हीट एनर्जी बहुत कम है, वो किसी काम की नहीं। आप क्या करो, आप यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक न्यूक्लियर फिशन के बजाय फिशन चेन रिएक्शन बनाओ, जैसे कि बुक ने क्या किया है, बुक ने यहाँ पे सिंपल एक सिंगल फिशन रिएक्शन है, ये क्या है, इट इज सिंगल फिशन रिएक्शन। अब आप बात कर लो फिशन चेन रिएक्शन की, फिशन चेन रिएक्शन कैसे चलेगा, जैसे कि बुक ने एग्जांपल दी है, यहाँ पे एक यू शेप्ड रॉड है, ठीक है, इन्वर्टेड यू शेप रॉड बनाई है बुक ने, मैं भी सेम वैसे ही बना रहा हूं, लेट्स से ये कोई यू शेप्ड रॉड है, अच्छा, किसी तरीके से आपने यहां पे न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाया, न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाने के नतीजे में इधर किसी यूरेनियम 236 की फॉर्मेशन हुई, वो टूटा और उसने क्या किया, उसने न्यूट्रॉन्स रिलीज कर दिए, इनमें से निकलने वाले न्यूट्रॉन्स कुछ बाहर निकल गए
उन्होंने मजीद आगे रिएक्शन नहीं करवाया, लेकिन ये यूरेनियम चलता चलता तकरीबन तीन जगह के ऊपर आके एक और यूरेनियम एटम से टकरा गया। उसने मजीद कुछ यूरेनियम रैंडम डायरेक्शन में मिट करने, ठीक है। सो ये यूरेनियम के जो बनने वाले न्यूट्रॉन थे ये बाहर निकल गए, लेकिन इस न्यूट्रॉन ने क्या किया, यहाँ पे मजीद एक रिएक्शन करवाया और मजीद यहाँ पे जगह के ऊपर यूरेनियम 236 बनाया जो टूट गया बेरियम क्रिप्टॉन में, और यहाँ से बनने वाले न्यूट्रॉन्स बाहर निकल गए, लेकिन कोई एक आधा न्यूट्रॉन था वो चलता चलता आया और इधर किसी यूरेनियम से टकरा गया, ठीक है। तो टकराने के नतीजे में मजीद आगे यहाँ पे तीन न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, जो अगर सिर्फ ये यू शेप रॉड ही होगी तो हो सकता है कि रिएक्शन दो तीन रिएक्शन के बाद रुक जाए, लेकिन होता क्या है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यहाँ पे फिशन चेन रिएक्शन करवाने के लिए सर्कल की फॉर्म में रॉड्स लगाई जाती हैं। इस तरह से ये रॉड्स होती हैं, यूरेनियम की एक रॉड है, ये दूसरी रॉड है, इस तरह से सेट ऑफ रॉड लगा हुआ है, ये तकरीबन 15-20 भी हो सकती हैं या रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितनी भी लगाना चाहो वो रॉड्स होती हैं। और इसको ऊपर से देखें तो इस तरह नजर आता है कि सर्कल है, सर्कल के अंदर ये यूरेनियम रॉड्स ऊपर से दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये यूरेनियम रॉड्स हैं, ठीक है। और ये जिस चैम्बर के अंदर मौजूद है वो किसका बना है, वो या तो बना है बोरॉन का या फिर वो बना है कैडमियम का, ठीक है। बोरॉन और कैडमियम की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब उसके ऊपर न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है तो न्यूट्रॉन स्ट्राइक करने के बाद वो बोरॉन और कैडमियम के अगले आइसोटोप्स बन जाते हैं, लेकिन वो आइसोटोप्स भी रेडियोएक्टिव नहीं होते, ठीक है, इसलिए वो न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करने के लिए यूज होते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर किसी भी बोरॉन कैडमियम के सिलेंडर के अंदर इस तरह से रॉड्स मौजूद होती हैं, ठीक है, इनके दरमियान में आपस में क्या होती है, सेपरेशन होती है, इंसुलेशन होती है। अब जैसे ही आपने रिएक्शन प्रोसीड करवाना होता है इन रॉड्स को थोड़ा सा बाहर निकाल दिया जाता है, नतीजा क्या होता है कि एक का न्यूट्रॉन, जाहिर बात है पहले यूरेनियम ने स्पॉन्टेनियस फिशन भी करना है, खुद भी टूट जाना, उसकी हाफ लाइफ है, तो एक आधा एटम टूटेगा, न्यूट्रॉन जनरेट होंगे, वो न्यूट्रॉन इस रॉड से निकल के यहाँ पे, यहाँ से निकल के इधर, इधर से निकल के इधर, तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे जो यूरेनियम के एटम्स टूटते हैं और जो बेरियम क्रिप्टॉन बनते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट की सूरत में फेयर होगी और ये रॉड हीटअप होना शुरू हो जाएंगे। इस रॉड के गिर जो पानी घूमेगा, ये जो भी हमारे पास हीट एक्सचेंजर घूमेगा वो इस एनर्जी को लेके बाहर आएगा, उससे स्टीम बनेगी, स्टीम से टर्बाइन चलेगी, टर्बाइन से बिजली बनेगी। अगर आप समझते हो कि टेम्परेचर ठीक नहीं बन रहा तो आप इन जो रॉड्स हैं उनको कंटेनर से मजीद बाहर निकाल दो, ज्यादा तादाद में ये रॉड्स लगा दो, और जब आप समझते हो कि बहुत ज्यादा हीटअप होना शुरू हो गया, ठंडा करना है, इनको वापस अंदर खींच लो, और जब रिएक्शन को रोकना है तो रॉड्स जो है आप वापस सिलेंडर में चली जाएंगी और बोरोन कैडमियम इनके न्यूट्रॉन्स को एक के दूसरे तक पहुंचने से रोक देंगे। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है ये क्या करता है, ये चेन की सूरत में चलता है और न्यूक्लियर रिएक्टर्स को चलाने के काम आता है। फिर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक्सप्लोजन की। एक्सप्लोजन क्या होगा, एक्सप्लोजन ये होगा कि यहाँ पे इस तरह के ऊपर बहुत बल्क अमाउंट में कोई मैस हो और वहां पे किसी तरीके से या तो एक्सटर्नल न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवा दो या उसका अपना कोई न्यूट्रॉन टूट जाए, सॉरी यूरेनियम टूट जाए, और नतीजे में बनने वाले जो न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या करें, वो एक से ज्यादा तादाद में मजीद आगे टकरा जाएं और टकराने के नतीजे में फिर से क्या करें, न्यूट्रॉन्स जनरेट कर दें, ठीक है। तो उनमें से कुछ न्यूट्रॉन्स तो सारी बातें बाहर भी निकलेंगे, लेकिन कुछ न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, कुछ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे मजीद कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पे बड़ी तादाद में न्यूट्रॉन्स ने बनना है और नतीजतन क्या होना है कि न्यूट्रॉन्स की तादाद 3 से 9, 9 से 27, फिर 81, फिर 243 बढ़ती चली जानी है और यहाँ पे इस कदर हीट जनरेट होनी है कि इस रिएक्शन ने कंट्रोल से बाहर हो जाना है और यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक्सप्लोजन हो जानी है, ठीक है। सो भाई फिशन चेन रिएक्शन के लिए एक कम से कम मैस रिक्वायर्ड होता है जिसे क्रिटिकल मैस कहते हैं या फिर उसके वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। अगर क्रिटिकल मैस या क्रिटिकल वॉल्यूम से कम मैस या वॉल्यूम में कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट फॉर एग्जांपल यूरेनियम पड़ा हुआ है तो भाई फिशन चेन रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। एटलीस्ट क्रिटिकल मैस या क्रिटिकल वॉल्यूम रखो तो फिर चेन रिएक्शन चलेगा, और अगर आपने मैस बहुत बढ़ा दिया क्रिटिकल मैस से भी तो फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा। और ये प्रिंसिपल कहाँ पे यूज होता है, ये प्रिंसिपल एटॉमिक बॉम्ब्स में यूज होता है। एटॉमिक बॉम्ब्स में क्या होता है, एटॉमिक बॉम्ब्स के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट में यूरेनियम मुख्तलिफ चैम्बर्स में रखा जाता है, हर चैम्बर में उसकी अमाउंट क्रिटिकल मैस से कम होती है, ठीक है, और क्रिटिकल मैस से कम होने की सूरत में वो एक्सप्लोड नहीं करता, लेकिन जब फायर करना होता है, ट्रिगर करना होता है,
सारे के सारे यूरेनियम को मिला दिया जाता है, उसके दरमियान से रुकावटें हटा ली जाती हैं, बड़ी अमाउंट में मैस बनता है, और मैस बनने के बाद क्या होता है कि उस जगह के ऊपर न्यूट्रॉन्स एक ट्रिगर किया जाता है और उसके नतीजे में फौरन वहां पे एक एक्सप्लोजन कॉज हो जाती है, क्योंकि एक न्यूट्रॉन बजाय आगे एक ही न्यूट्रॉन को चलाए वो तीन तीन बना रहा होता है एवरेज, और तीन में से एटलीस्ट दो तो आगे टकरा ही रहे होते हैं, नतीजा तन क्या होता है बहुत बड़ी तादाद में न्यूट्रॉन्स बनते हैं, बहुत बड़े तादाद में ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, और उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में एक्सप्लोजन हो जाता है और ऑब्वियसली वो चीज कंट्रोल से बाहर हो जाती है। बच्चों यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। हाँ बच्चों समझ में आ गया है? ओके बच्चों यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। फिलहाल इतना ही था।